प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज ले पारादा अरुणाचल प्रदेश का 25वां जिला है, जिसका गठन प्रशासनिक सुविधा और त्वरित विकास के लिए वर्ष 2018 में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल करीब 983 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 21,000 के आसपास है। लेपारादा जिले में मूल रूप से गालो जनजाति के लोग निवास करते हैं और इस जिले में 4 प्रशासनिक अंचल बासार, तिरबीन, दारी और सागो है। यहाँ के लोग प्रकृति और जनजातीय विरासत के संरक्षण के साथ विकास में विश्वास रखते हैं। लेपारादा जिले में एडवेंचर, इको, एग्री एंड कल्चरल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हर साल पर्यटन महोत्सव बास्कोन का आयोजन किया जाता है। लेपारादा जिले के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं कार्पी बासार। हमारी टीम इस वक्त तिरविन सर्किल के तिरु विलेज में मौजूद है, तिरु गांव में, जो कि हम जो है इस पर जो जल जीवन मिशन है वो किस तरह से काम चल रहा है, उसका जो प्रोसेस किस तरह से है, हम उसे देखने आए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है जल जीवन मिशन के आने से पहले 13 साल बाद जो है पानी आया है, उससे आने से पहले ये लोग जो है जंगल पहाड़ों में चढ़कर जो है पानी लेकर आते थे, लेकिन जल जीवन मिशन के आने के बाद अभी हर घर में पानी मुहैया कराया जा रहा है और साफ़ सुथरा पानी मुहैया कराया जा रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखने आए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि उनका जो जल जीवन मिशन के जो आने के बाद उन लोगों का जीवन में क्या बदलाव आया है। देश के लगभग 50% ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां अभी भी लोगों को पानी की समस्याएं होती है। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ पानी जैसी समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। लोगों को सैकड़ों मीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। इन सभी परेशानियों को देखकर सरकार ने जल जीवन मिशन स्कीम की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत जिन इलाकों में पानी नहीं है वहाँ हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुँचाया जा रहा है। इस मिशन को सरकार ने हर घर नल जल योजना का नाम भी दिया है। लेपारादा जिले के तिरविन के पास तेरे विलेज में जल जीवन मिशन और सादा के तहत हर घर में जल पहुंचने से गांव के लोगों को 24 घंटे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। गांव के लोगों ने सरकार, स्थानीय विधायक गोकर बासर और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि कई वर्ष पहले दूसरे घर से पानी उधार लेना पड़ता था, पर अब जल जीवन मिशन से गांव में जल आपूर्ति परियोजना पूरी होने से करीब 5 दशक पहले बसे इस गांव के लोगों को अब पेयजल के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। मेरे साथ मौजूद है गिदलुम्ब, जो कि इस तिरु गांव के जो है ग्राम मेंबर है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि जो सादा और जल जीवन मिशन जो है पहले जब नहीं था उन लोगों को क्या तकलीफ हुआ और उनके आने के बाद, स्कीम के आने के बाद में उन लोगों को क्या क्या लाभ हुआ है। मेरा बस्ती जो लगभग 13 साल जैसा पानी नहीं था, आप सब जानते हैं पानी का बिना जिंदगी नहीं है, तो बस्ती वाला इतना कठिनाइयों से गुजरा था। लेकिन ये साल 2021-22 को जल जीवन मिशन और सादा के तहत हम लोग बस्ती वाला ने पानी मिला हुआ है और ये पानी जो अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पीएचई के द्वारा ये कंप्लीट कर दिया, हर घर में अभी पानी मिल रहा है और हम लोग खुशी है क्योंकि हम लोग इतना दूर से हेड लूट करके पानी को बुका था, लेकिन आज वो कठिनाइयों से ओवरकम होके हम लोग अभी खुशी से बस्ती वाला लोग जी रहे। हम लोग यहाँ से लगभग 0.5 किलोमीटर जैसे हम लोग पूत मर्च करके हम लोग अपना टुकड़ी से, लोकल टुकड़ी से हम लोग बुक के लेके आया था। अभी तो एकदम हर घर में, अपना घर में ही पानी है, अवेलेबल है, जब चाहो हम लोग पानी यूज़ कर सकते हैं। उस समय जब पानी नहीं था, हम लोग जब बस्ती वाला लोग सब फार्मर है तो खेती करके भी पानी नहीं होने के कारण जो बर्तन ताली भी ऐसा भरा हुआ था, लेकिन आज वो सिचुएशन बदलाव हो गया तो पानी आ गया, घर भी सफा होने लगा, बस्ती वाला लोग भी रहन सहन जो अलग हो गया। तो हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल सीएम
ऑफ अरुणाचल प्रदेश और यहाँ का विधायक को धन्यवाद देते हैं। श्री लोम्बू ने कहा कि हर घर में जल उपलब्ध होने से गांव में स्वच्छता की स्थिति भी बेहतर हुई है। JJM की लाभार्थी बोमकर लोम्बू ने बताया कि घर में अब नल के जरिए जल पहुंचने से गांव की महिलाओं को जल के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है, जिससे समय की बचत हो रही है। उनका कहना है कि जल जीवन मिशन की योजना लेपारादा जिले के तेरी गांव में सफलतापूर्वक लागू होने से स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को गति देने में कारगर साबित हो रही है। मेरे साथ मौजूद है तिर गांव की एक महिला, तो चलिए हम उनसे जानते हैं कि जल जीवन मिशन के जो आने के बाद उनके जीवन में क्या लाभ हुआ है। पहले हम लोग पानी नहीं आने से पहले हम लोग ये जंगल से जाके ना पानी को लेके आया था, ये टुकड़ी में बुक के, ये बोतल में भरा के टुकड़ी में बुक के बहुत दूर से, दो ऐसे 1 किलोमीटर ज़्यादा है क्या, ऐसे बुक के लेके आया था। अभी तो पानी घर घर में आ गया ना, हम लोग के लिए बहुत सुविधा हो गया। बासन बर्तन धुलाने के लिए भी इजी हो गया, और उधर दूर से जाने से तो हम लोग ये बच्चा के लिए स्कूल पर आने के लिए भी बहुत तकलीफ होता है ना, समय हम लोग के लिए नहीं जुड़ते हैं ना। अभी बच्चा के लिए भी सुविधा हो गया ना, स्कूल भेजने के लिए समय तो ठीक हो गया हम लोग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग तीन एसेट बनाया है, तो हेड में 2 एसेट है, वहाँ पे भी ड्रॉप इन लेते हैं, और प्री सेडिमेंट 2 टैंकी है कुल मिला के वहाँ में, यहाँ में और 3 टैंकी है बस्ती में WPT पॉइंट में। तो पास्ट वाला बनता है सेडिमेंट टैंक, जहाँ सेडिमेंट करके हम लोग लेके आता है स्टोरेज टैंक SSF टैंक में, SSF टैंक फिल्टर करके हम लोग का स्टोरेज टैंक में आता है। तो यहाँ में हम लोग फिल्ट्रेशन रेट है हमारा 200 लीटर पर आवर में करके फिल्टर करते हैं। तो और इसके बाद ये स्टोरेज टैंक का कैपेसिटी 6000 लीटर है हम लोग का यहाँ में पर डे का। तो हम लोग यहाँ से लेके हर बस्ती यहाँ में टोटल हाउस होल्ड 10 नंबर को पूरा हम लोग कवर किया है। तो पॉपुलेशन 10 हर घर का हमारा यहाँ में 80 पॉपुलेशन है IMS एंट्री में, तो हम लोग को कवर करके हम लोग तिरुबस्ती में सेफ ड्रिंकिंग वाटर हम लोग पूरा हर घर में हम लोग पहुँचा दिया। ये हमारा टैंकी का एसेट है, जो तीन यहाँ में 3 एसेट रहता है। फर्स्ट वाला प्री सेडिमेंट टैंक है, जहाँ पे सेडिमेंट होता है हमारा सोर्स से आने के बाद, तो बीच में रह गया ये SSF सेंट स्लो सेंट फिल्टर टैंक बोलते हैं। तो वहाँ में हम लोग फिल्टर मीडिया वगैरह डाल के, तो ये थर्ड टैंकी में आता है ये स्टोरेज टैंक। तो स्टोरेज टैंक कैपेसिटी 6000 लीटर का है, तो वहाँ से फिल्टर करके यहाँ में आके स्टोर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग बस्ती वाला को सप्लाई देते हैं ये स्टोरेज टैंक से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई'd लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द JJM मिशन, बिकॉज इट ब्रिंग्स द सोर्स ऑफ लाइफ वाटर टू ईच हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री, एंड एकोइंग द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज रिजॉल्व टू कंप्लीट the Har Ghar Jal by December 2023, and we on our part are going all out to deliver the assurance, the promise, and we have set for ourselves a target few months earlier, October 2023, so that we can complete our targets in time. This gives me an opportunity to thank the district Leparada PHAD department and the wonderful work they have been doing, going from villages to villages, talking about Har Ghar Jal, teaching women and other villagers to do water testing. They have also done a lot of media coverages also. We have tried to express our
gratitude to the government of India and the government of Arunachal Pradesh for this blessing that is given to our villages through thank you messages. And this is one opportunity that I, on behalf of the citizens of Leparada, take to thank the government of India, led by Honorable Prime Minister, and the government of Arunachal Pradesh, led by Honorable Chief Minister. We, as far as performance is concerned, have covered 82.66% in our mission, and we hope that within the next few months, we will be saturated by October. We also have taken up the project in the schools and the Anganwadi centers, and we are trying to reach and finish our targets as early as possible. So far as the other targets are concerned, we are a little below 82%. Our Anganwadis, because in most of our Anganwadis are presently situated in various different locations, therefore covering them and in a declared Anganwadi center is a challenge, but we are trying to meet up by formalizing the Anganwadi units. But because in some cases the Anganwadi workers are also, you know, running the Anganwadi center from a school, therefore the statistics would need to be addressed. However, it's our effort that we cover all, and the people on the whole are very happy with the mission. And even previously, the PHE department, with their Swachh Bharat Abhiyan, have contributed a lot to cleaning up the villages in the rural areas. And similarly, the urban areas have also been covered under Swachh Bharat Mission Urban. For both the initiatives, I thank the people of Leparada for coming shoulder to shoulder with the departments. Thank you. लेपानंदा चिली के राधा गामलिन विलेज में जल जीवन मिशन स्कीम को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इस गांव के हर घर को नल के जरिए पीने का साफ पानी उपलब्ध हो रहा है। गांव के माइक गामलिन का कहना है कि पहले उन्हें बहुत दूर से नदी और झरने से पानी दोकर हर दिन की जल की जरूरतें पूरी करनी पड़ती थी, पर अब पीएचई विभाग द्वारा जेजेएम प्रोजेक्ट को जल पूरा कर हर घर में जल कनेक्शन प्रदान करने से गांव के लोगों में खुशी है। मेरे साथ मौजूद है राता गमलिन के एक वासी जो कि ये भी जल जीवन मिशन के जो है ये है बेनिफिशरीज है, तो उनसे पूछते हैं कि जल जीवन मिशन के आने से पहले और आने के बाद में क्या अंतर हुआ है। हम लोग जो पहले जो पानी दूर से जल जीवन मिशन ने आने से पहले दूर से हम लोग बाम्बू सुंगा में से ये उसमें पानी उनी भुगता था और ये बकेट सकेत में दूर से भुगता था। आजकल अभी तो जल जीवन मिशन आ गया तो हम लोग के लिए पानी के लिए चिंता नहीं है, घर घर में पूरा पानी आ गया। और हम लोग का बस्ती भी कुछ है कि कमेंट का भी अच्छा है, बल्कि मानता है मेरा बस्ती लोग भी, ये जल जीवन मिशन को भी बहुत थैंक्स देता है मेरा बस्ती लोग भी। और ये पानी भी अच्छा से ये हम लोग भी बहुत दूर से पानी लेके आए, मतलब ना ये पानी नदी जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर होगा यहाँ से। हम लोग वो भी फाइव को हम लोग उसमें फिर ये गाड़ी उड़ी तो नहीं घुसते रास्ता, ये ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं है। पहले से ये पाइप लोग को भी हम लोग कंधा में लेके उधर 0.0 पहुँचाया है और ये गिट्टी वालों भी पूरा बुक के उधर पहुँचा दिया था हम लोग। अभी तो हम लोग के लिए वो तकलीफ होते हुए भी अभी हम लोग का हमें पानी जल जीवन मिशन जो है हम लोग का बस्ती में आ गया, घर घर में आ गया, तो हम लोग इतना खुशी है कि ये पानी हम लोग का घर घर में आ रहा है बोल के। कपड़ा धोने के लिए भी हम लोग पूरा बकेट में भर्ती करके ये दूसरा जगह में हम लोग के यहाँ में जहाँ में झरना है उधर जाके हम लोग धोता था और उधर से पानी उनी भी लेके घर में बर्तन थाली पानी उधर से लेके दूर से लेके धुलाता था। अभी तो अपना घर में नल बन गया, हम लोग तो अभी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है पानी के लिए। पीएचई डिपार्टमेंट लोग को भी हम थैंक्स देता हूँ क्योंकि हम आप लोग नहीं होता तो हम लोग पहले से जैसे पहले का जैसे हम लोग नदी ये झरना से होना से पानी उनी लेते समय बहुत तकलीफ था, अभी भी ऐसे होना था। हम जब ये पीएचई डिपार्टमेंट लोग को भी थैंक यू कहता हूँ। उन्होंने बताया कि गांव के लोगों ने परियोजना को लागू करने में आने वाली चुनौतियों से निपटने में पूरी मदद की और उनके सहायता से निर्माण सामग्री को समय पर पहुंचाया जा सका।
उन्होंने बताया कि गांव के चयनित युवाओं को जल प्रबंधन और रखरखाव के संबंध में जरूरी प्रशिक्षण दिया गया है। जल जीवन मिशन कई तरह से समाज को प्रभावित कर रहा है। हमारी टीम अभी रातक गामलिन आ पहुंची है। यहाँ पर भी जो है जल जीवन मिशन का जो प्रोसेस जो है चल रहा है, और मेरे साथ यहाँ के जो इस प्रोजेक्ट की इंजीनियर है, चलिए उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह से प्रोसेस चल रहा है JJM के। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट रातक गामलिन एरिया के लिए किया था। इसमें टोटल 49 हाउस होल्ड और जो 194 पॉपुलेशन को कवर करते हैं, उसके साथ यह एक लोअर प्राइमरी स्कूल है, दो आंगनवाड़ी सेंटर और कम्युनिटी देर है, प्लस ये चर्च है, इसको पूरा कवर करते हैं। यह सबसे पहले तो सोर्स का प्रॉब्लम, सोर्स यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर आधा डिस्टेंस में है, वो आगे राखी करो, वहाँ से पानी 50 mm का लाइन कनेक्शन कराए, लेकिन बस्ती वाला जो यहाँ जितना भी गांव के लोग हैं, हेड लोड से लेके लाइन बिछाना ये सब कुछ बस्ती वाला उन लोग का हेल्प से हुआ है। उसके बाद यहाँ एक्चुअली रोड भी अभी अभी बन के कम्प्लीट हुआ है, उस समय ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम था, हेड लोड में काफ़ी टाइम लगा है, और लेकिन कम्युनिटी हेल्प का थ्रू से ये स्कीम भी सक्सेस हो पाया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट, जैसे हर पंचायत से चार चार हम अनएम्प्लॉयड यूथ सेलेक्ट करके यह दो मेसन में और दो प्लम्बर में हम लोग ने ट्रेनिंग इम्पार्ट किया है, और उसके जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही हम लोगों ने गांव वालों को टूल्स एंड प्लान, जैसे रेंच हो गया, डाई सेट हो गया, ये सब प्रोवाइड किए। बस्ती के अंदर जितने भी इन विलेज एसेट है, जैसे पाइपलाइन हो गया और टेंकी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जितना देख रेख है, मेंटेनेंस है, बस्ती वाला खुद करने के लिए ट्रेनिंग भी दिया है, प्लस जितना टूल्स एंड प्लान से हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है। इस मिशन के निर्माण चरण में पूरे वर्ष अरुणाचल प्रदेश में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। इस मिशन से पाइप जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए हर साल गांव के कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सरकार की किसी भी योजना की सफलता में अधिकारियों के साथ जन प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। रेपाराधा से विधायक गोकर बासर के क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए ग्राउंड लेवल पर प्रयास कर रहे हैं। हमारा लेपाराधा में जो जल जीवन मिशन मुहिम, जो वाटर फॉर एवरीबॉडी जो मुहिम चलाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तहत और हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का तहत, अभी यहाँ पे जल जीवन मिशन हमारा डिस्ट्रिक्ट पे बहुत सक्सेसफुल है। स्पेशली हमारा बसार पे तो इतना वाटर सोर्सेस का तो दिक्कत नहीं था, हमारा जो तिरबिन एसी हेडक्वार्टर पे बहुत दिक्कत था, लेकिन इस 4 साल पे हमारा PHE ने बहुत बढ़िया से काम किया। जैसे कि हमारा लेपाराधा के जो सबसे कोना तिर रतक गमलिन सभी विलेजेस को जल जीवन मिशन का तहत से और अरुणाचल का जो सादा स्कीम्स का तरफ से कवरेज कर चुका है। आई थिंक अभी इस 4 साल पे हर विलेज को कवर अप कर चुका है, दारू से लेके सागो से लेके बासर सर्कल त्रिविन सर्कल। तो इसीलिए मैं स्पेशली हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, और उसके बाद गैप फंडिंग पे जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट लीड बाई हमारा
मुख्यमंत्री पेमा खांडू सादा स्कीम्स जो है गैप फंडिंग के तहत दिए गए हैं। तो इसी का थ्रू से अभी हर घर नल, हर नल जल जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट पे सक्सेसफुल रहा। तो इसीलिए मैं स्पेशली क्रेडिट को हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और लाइन डिपार्टमेंट PHE को देना चाहता हूँ। इसी तरह हम आगे बढ़ना है और अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट पे कैचमेंट एरिया का ऊपर काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट और हमारा स्टेट जो है हिली एरिया है स्पेशली। तो हम जितने भी हमारा विलेजर्स और स्टेक होल्डर्स जो लफारा अदा किया है और ऑफिसर्स और लैंड ओनर सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस बार वाटर कैचमेंट प्रोटेक्शन बिल भी हम सब विधायक ने और हमारा गवर्नमेंट ने पास किया गया है। तो अभी जो हमारा MLA लेट्स हो या जो भी अनटाइट फंड्स और या हमारा MP लेट्स, उसको हम इस वाटर कैचमेंट प्रोटेक्शन बिल का तहत हमारा कैचमेंट एरिया को प्रोटेक्शन करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए हम सब हमारा स्टेक होल्डर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चलिए हम सब मिलके अभी जो है हर घर नल जल का तहत अभी कैचमेंट एरिया को भी जो वाटर रिजुविनेट करने का मुहिम चलाना है, क्योंकि अभी हमारा लफारादा स्पेशली एक एग्जाम्पल रहा EB प्रोजेक्ट का तहत। अभी जो बहुत कोने कोने से यहाँ पे आ रहा है कि हमारा इस EV प्रोजेक्ट का एक मॉडल लेते हुए, तो इसीलिए मैं सभी अरुणाचल और हमारा लफारादा को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन के ऊपर काम करें। थैंक यू। जल जीवन मिशन को विकेंद्रीकृत मांग जनित समुदाय प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत देश भर में 5,00,000 से अधिक पानी समितियां यानी ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों VWSC का गठन किया गया है और ग्राम कार्य योजना तैयार की गई है, ताकि गांव में जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे का प्रबंधन, संचालन और रखरखाव किया जा सके। आप सभी ने देखा हमारे जो लेपारादा जिले है, इसमें जल जीवन मिशन और सादा के तहत हर घर में, हर गांव में पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं कि एक भी घर, एक भी गांव ना छूते इस मिशन के तहत। और हमारे जो सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, उन लोगों ने तान लिया है कि 2023 तक ये इस मिशन को कंप्लीट करना है, जबकि केंद्र सरकार ने जो है इसे 2024 तक इस मिशन को कंप्लीट करने की ताना था। लेकिन हमारे सरकार जो है, राज्य सरकार ने जो है इसे 2023 तक कंप्लीट करने की तान ली है और उनको, उनका जो प्रयास जो है अभी भी जारी है। इसी के साथ हम इस एपिसोड को यही खत्म करते हैं। कुछ और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।